हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैं जैब बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर, मैंने अपने लड़के की फोटो भेजी है, आप उसकी शादी करा दीजिए एक प्लीज। मिनट मैम, आपने फोटो देखी? अरे डिलीट कर दो, हमारे यहाँ के बच्चे डर रहे हैं। ये देखो सर, लौंडा है ये। क्या हुआ सर, बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। अरे यही तो गलती हो गई कि तुमने इसे पाल लिया। जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में छोड़ के भागना था कि ये हमारा नहीं है। सर हल्का काला है बस। ये हल्का सा काला, अगर जिसने काला कलर बनाया इसे देख ले तो कहेगा हमसे तो गलती हो गई, असली काला तो ये है। सर प्लीज, मेरी एक लड़की से शादी करा दो सर। वही सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की की जो तुझसे शादी करेगी? अरे सर, इतना बुरा हूँ क्या मैं? देख बुरा मत मानिए, मगर भैया अगर तू रोड पर अकेला खड़ा हो गया ना तो तेरे ऊपर कुत्ता टांग उठा के। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सही बातें कर रहा हूँ मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने इसे देख के क्या कहा था? जब मैंने इसे नर्स को दिखाया तो वो बोली, आय हाय मैडम, फेंक दो, पता नहीं क्या आइटम है। वैसे एक हफ्ता मेरे बिना रहकर तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुकून। सुकून नहीं आ रहा था, दिल को तुम्हारी बड़ी कमी महसूस हो रही थी। वैसे मेरी याद तो आई होगी तुम्हें। हाँ बहुत याद आई, हर सेकंड याद आई। ये कॉल किसकी आ रही तुम्हारे फोन पे? ये पड़ोसन मुझे क्यों फोन कर रही है, रुको देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, बताइए। अरे बहन जी, आप भी कितनी लापरवाह है। क्यों? अरे कल जब आप लोग रोमांस कर रहे थे तब आपका दरवाजा खुला हुआ था, पता नहीं किस किस ने देखा होगा। आगे से ये सब करने के पहले दरवाजे का थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके। ये फंस गया। लगता है इसके दिमाग पर गहरा सदमा पहुंचा है। तुम हंस क्यों रही हो? मुझे रोमांस करते हुए कौन देखेगा, मैं तो एक हफ्ते से यहाँ थी ही नहीं। पागल। लेकिन एक मिनट, मेरे जाते ही तुम इतने लापरवाह होगे कि तुम दरवाजा बंद करना ही भूल गए। सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा मैंने तुम्हारे लिए जहरीली मंचूरियन बनाई है, लाऊं? हाँ जल्दी लगाओ, मुझे भूख लग रही है। ड्राइवर ने गूगल मैप ऑन किया तो लुगाई ने बोलना शुरू किया, 500 मीटर से बाएं। लुगाई? हाँ, 100 मीटर पे दाएं। दादाजी डरे, चुप कर, बंद कर इसको, तुरंत बंद कर, हमारे इतने दिन खराब हो गए कि अब लुगाइयां रास्ता बताएंगे। ये होता है गांव का दादा। एक बार हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे।